पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। देश के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे ने अपने दैनिक अखबार मेल टुडे को बंद करने की घोषणा कर दी। एक ही झटके में 500 पत्रकार और अन्य अखबारकर्मी सड़क पर आ गए। अरुण पुरी ने अपने मेल में कहा कि दुर्भाग्य से कोविड-19 महामारी ने पाठकों की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब अखबारों का प्रिंट मीडियम पुनर्जीवित नहीं होगा। इस अखबार का आखिरी प्रिंट एडिशन रविवार 9 अगस्त को पब्लिश होगा। इससे पहले पत्रिका ने अपना मुंबई एडिशन बंद कर दिया। मिड डे अखबार ने एम्प्लॉयज की छटनी करने का निर्णय लिया है। हाल ही में दैनिक हिंदी अखबार का हिंदुस्तान का एक सप्लीमेंट स्मार्ट बंद हुआ है। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के बुद्धिजीवी प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी और सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक गिरीश मालवीय जी। देखिए क्या कहते हैं। सर, पिछले दिनों एक बड़े अखबार समूह ने देश के दिल्ली में इंडिया टुडे समूह ने एक अपना अखबार बंद करने का फैसला करा, मैगजीन बंद करने का फैसला करा। कोरोना काल में काफ़ी कुछ स्थितियाँ बदली है और अब पत्रकारों पर संकट आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि जितने सालों से पत्रकारों से जो पैसा कमाया मालिकों ने, तो संस्थानों ने, अब मौका आया तो उनको बाहर कर रहे हैं। इस बारे में हम आपको विचार सुन सकते। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंडिया टुडे समूह ने अपना एक बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण अखबार था मेल टुडे, उसे बंद कर दिया है। और कमोबेश इस समय देश में मीडिया इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है। देश के हर अखबार समूह में छटनी हो रही, चाहे वो आप दैनिक भास्कर की बात करें, जागरण नई दुनिया ग्रुप की बात करें या पत्रिका समूह की बात करें। विशेषकर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि हर जगह, और यही हाल जो रीजनल चैनल्स हैं उनमें भी है। और मैं बार बार पत्रकार साथियों की बात बोलता हूँ कि बहुत कठिन दौर है ये। और आपने बिल्कुल एक सामयिक विषय उठाया कि सालों तक अखबार और चैनल जो हैं अपने पत्रकार साथियों के बूते पे, भाई आखिर मेन फोर्स तो यही टीम रहती है जो वर्किंग, और ये अपनी कलम से या ये अपने माइक से जो चमत्कार दिखाते हैं उसी का फ़ायदा अखबारों को और चैनल्स को मिलता है। तो अब जब ये 2-3-4 महीने का दौर ऐसा है कि जिसमें आपका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है या सर्कुलेशन कम हो रहा है या TRP कम हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि आप अपने यहाँ जो काम करने वाले साथी हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दें। अपेक्षा तो ये थी कि ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन बन सकती है कि सैलरी के मामले में कोई निगोशिएशन हो जाए, भाई आपके पास आपका रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है विज्ञापन के माध्यम से या सर्कुलेशन आपका कम हुआ है तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसका एक सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन आप जो साथी आपके यहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, आप एकाएक उन्हें बोल दें कि हमें आपकी सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए परिवार चलाना कितना मुश्किल काम इस संकट के दौर में हो जाएगा। अच्छा, फिर मीडिया इंडस्ट्री में एक ट्रेंड जो और आ रहा है वो भी मैं आप इसमें उल्लेख करना चाहूँगा कि 40-42 साल से अधिक उम्र के जो पत्रकार हैं उन्हें अब धीरे धीरे आउटडेटेड माना जाने लगा है। मतलब उनके सामने नौकरी का संकट है और इस दौर में जो साथी नौकरी से बाहर हो रहे हैं वो कमोबेश इसी 40 से 45 वर्ष की आयु समूह के हैं, तो उनके सामने तो एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि आखिर अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम कहाँ से करें, दो वक्त के भोजन का इंतजाम कहाँ से करें। बड़ा क्राइसिस का समय है और जिन लोगों के बूते पर कमाया गया है ना, बिल्कुल जो आप बात चल रही है कि जो बात आपने बोली ना, बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने कि सालों तक आपने अर्न किया, सालों तक आपने कमाया और अब जब संकट का दौर है तो आप अपने उन साथियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, ये तो कतई जो है उचित नहीं कहा जा सकता है। सर, इसी में एक बड़ा सवाल आ रहा है, खासकर जैसी घटना आपने सारा जिक्र करा है कि एकाएक बाहर कर दिया जाता है, 24 घंटे का नोटिस दिया जाता है कि आपको कल से काम में आना है, मौजे की कोई बात नहीं होती, तनख्वाह 2-3 मिनट काट ली जा रही है और जो बंदे रखे जा रहे हैं उनको भी प्रेशर किया जा रहा है कि आपको 2-4 महीने में बाहर होना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं मानवीय त्रासदी तो होगी। और खासकर जो पत्रकार खुद आवाज उठाते हैं मानवता के, मानव अधिकार के बारे में, उनके प्रति ये रवैया अपनाया जा रहा है, तो क्या पत्रकारिता पर असर पड़ेगा? आने वाले जो लोग पत्रकारिता में आना चाह रहे हैं वो किस रूप में आना चाहेंगे आप पर? देखिए, बात जहाँ आपने ख़त्म की वहीं से शुरू करते हैं कि निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है कि अब आदमी को पत्रकारिता के पेशे में आने के पहले सोचना पड़ेगा, है ना, सोचना पड़ेगा। आपने बताया कि 12 घंटे 24 घंटे पहले आप, मैंने तो कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें रात को 9 बजे संपादक ने फ़ोन करके बोला साथी को कि सुबह 7 बजे से उसकी शिफ्ट थी, बोला आप कल से मत आइए और कल दोपहर में आके अपना हिसाब कर लीजिए।
आप 2-3 महीने के मुआवजे की बात जो कर रहे हैं ना, वो तो अब बीते जमाने की कहानी हो गई है। पहले अगर किसी संस्थान से किसी साथी को बाहर किया जाता था तो बकायदा उसे नोटिस दिया जाता था 1 महीने का और 3 महीने का वेतन देके, ताकि वो आने वाले समय की अपनी 1-2 महीने की व्यवस्थाएँ अपने परिवार की कर सके, ऐसी व्यवस्था थी। अब तो 12-8 घंटे की सूचना दी जाती है कि आप कल से मत आइए, और गेट पर गार्ड को बोल दिया जाता है, गेट पे गार्ड को बोल दिया जाता है कि वो ये अब सेवा में नहीं है, इन्हें अंदर मत आने देना, और शाम को 4 बजे ये आ जाएं तो इनको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ले जाना और इनका जो इस महीने की जो बची हुई तनख्वाह है वो दिलवा देना। ये बहुत एक गलत ट्रेंड डेवलप हो रहा है, और निश्चित तौर पर अब इस पेशे में आने के पहले आदमी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये 3-4 महीने के दौर में जो साथियों ने देखा है वो बहुत ही त्रासदायक है, और जो है इसकी कभी कल्पना नहीं की थी। बहुत अच्छा दूसरा ये कि आज भी जर्नलिज्म के पेशे में कम पैसा होते हुए आदमी इसलिए जर्नलिस्ट बनना पसंद करता है कि एक सम्मानजनक दायित्व, एक सम्मानजनक काम माना जाता है, इसलिए आदमी इस पेशे में आता है। लेकिन सम्मानजनक काम के साथ साथ उसे अपने घर का 2 वक्त के भोजन का बंदोबस्त भी तो करना है, अपने बच्चों की स्कूल फीस की भी तो व्यवस्था करना है। अगर उसके साथ इस तरह का व्यवहार होने लगेगा तो आके वो असुरक्षा के भाव में काम कैसे कर पाएगा। अब जो साथी मीडिया इंडस्ट्री में बचे हैं ना, वो भी भयंकर असुरक्षा के भाव में काम कर रहे हैं। उनको भी आज आप हम कोई भी जो है ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने दिन की हमारी नौकरी अखबार में बची या कितने दिन हम चैनल में काम कर पाएंगे। सर इसमें कानून मतलब कानून के तहत न्यायालय या सरकार की क्या भूमिका दे सकते हैं आप? देखिए श्रम कानून के दायरे में बहुत सी चीज़ें कवर होती है, लेकिन इतनी पेचीदा प्रक्रिया है कि आदमी जिस दिन नौकरी से बाहर होता है उस समय उसके लिए सबसे पहले अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता सबसे पहले रहती है, सबसे पहले तो वो उस बंदोबस्त करता, और न्यायालयीन प्रक्रिया इतनी धीमी चलती है, इसकी गति इतनी धीमी है और इतनी लचर है कि आदमी को सही समय पर उसका फ़ायदा ही नहीं मिल पाता। देखिए क्या है कि मीडिया की के बारे में अभी खबरें सामने आ रही हैं कि मीडिया में बड़े पैमाने पर छटनी जा रही है, न सिर्फ छोटे पत्रकारों को इस संकट का सामना कर रहा है, बड़े पत्रकार भी इस संकट का सामना कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या ये पूरी परिस्थिति जो है वो सारे देश में सारे विश्व में एक सरी की है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना संकट के कारण पूरा सिनेरियो जो है इस वक्त वो छटनी का ही चल रहा है, तो ये एक वैश्विक संकट सरीका समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि यही पत्रकारिता इतने दिनों से इतने सालों से जो चल रही थी, तो क्या वो सिर्फ 3-4 महीनों का संकट झेलने के काबिल नहीं थी? जो इतना बड़ा इन्होंने एक रेवेन्यू मॉडल खड़ा किया था वो क्या सिर्फ 3-4 महीनों में ही ध्वस्त हो गया? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम भारत के मीडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जागरण में छटनी हो रही है, दैनिक भास्कर में छटनी हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में, न सिर्फ प्रिंट मीडिया में बल्कि डिजिटल मीडिया में भी बहुत तेज़ी से छटनी की जा रही है। तो हमें ये देखना होगा कि इन छटनी के कारण क्या है, क्योंकि लगातार सारे उद्योग जगत से या सारे बड़े सेक्टर्स से छटनी खबरें आ रही हैं, लेकिन अगर इसकी बात की जाए प्रिंट मीडिया की या डिजिटल माध्यमों की, टीवी मीडिया में, न्यूज़ मीडिया में, तो सब में बहुत तेज़ी से छटनी की जा रही है। बात यह बार बार की जाती है कि किस तरह से इस संकट से निकला जाए, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है इसमें कि इस संकट से निकलने का जो बात है वो मीडिया के मालिकों को ही तय करना होगी। जब मीडिया के मालिक, जब प्रिंट मीडिया लगातार पिछले 10-12 सालों से 40-40 पेज के अखबार छापता है और अखबार छाप कर वो देखता है कि उसमें से हम अगर उसको ध्यान से देखें तो कम से कम 30-32 पन्नों पे तो आप पूरे विज्ञापन ही भर देते हैं, तो वो जो रेवेन्यू जो आपका पहले जनरेट हुआ था वो अब क्यों नहीं काम में आ रहा है? क्या वो आपका उसी वक्त आपने रेवेन्यू को ख़त्म कर दिया? तो ये बड़ी विडंबना है हमारे समय की कि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक बात हम अपने पाठकों को जरूर कहना चाहते हैं कि देखिए जो भी अखबार आता है, अखबार और किसी दूसरे उत्पाद में बहुत अंतर है।
अखबार जब आता है आपके सामने तो वो 5 रुपए का होता है, लेकिन जब हम कोई टूथपेस्ट खरीदते हैं, मान लीजिए कोई हमने टूथपेस्ट का पैकेट खरीदा, तो टूथपेस्ट का पैकेट में हम पूरे उस उत्पाद की कीमत अदा करते हैं, हम उस पूरे उत्पाद पे टैक्स अदा करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिजिटल अपना प्रिंट मीडिया के अंदर खास तौर पे, कि अखबार की हम कीमत अदा नहीं कर रहे हैं, हम अखबार का एक कीमत का एक पार्ट अदा कर रहे हैं। यहाँ जो सारी कमाई जो अखबार मालिकों को हो रही है वो सारी कमाई विज्ञापनों से हो रही है। तो विज्ञापन अगर कम हो रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि अभी थोड़ा संकट चल रहा है, लेकिन अब जब हम थोड़ा सा संकट मतलब इस दौर को आगे गुजरता हुआ देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मीडिया के मालिकान जो हैं वहाँ पे अब प्रिंट मीडिया में काफ़ी वापस वही पेजेस में एड छपने लगे। तो ये आश्चर्य होता है कि क्या ये कोई एक तरह का मीडिया में पत्रकारों को हटाने के लिए छोटे स्तर पे क्या है कोई एक इस तरह से नेटवर्क काम कर रहा है। बड़ा मुश्किल है ये सब कहना, लगातार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ा एक समस्या जो ये आती है हमारे साथ में कि हम ये देखते हैं कि बड़े पत्रकारों को तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो छोटा पत्रकार है जो डेस्क पे बैठता है जो फील्ड में मेहनत करता है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है वो सारा जो पत्रकार है वो इस संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। बड़े बड़े जो नाम हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जो नाम लिए जाते हैं कभी वो इन लोगों के साथ नहीं खड़े होते। एक और जो महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम किस तरह से सरकार की भूमिका इस मीडिया की जो छटनी है उसमें किस तरह से हो सकती है। तो जो सरकारी जो एजेंसियां बनी हुई हैं मीडिया के रोल को अभी तक मैनेज करने के लिए थे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, कुछ पत्रकारों ने एडिटर्स गिल्ड सरीखे संस्थान खड़े किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों ये पत्रकार के एडिटर्स गिल्ड या इस तरह की जो संस्थाएं हैं ये बड़े पैमाने पे अपनी आवाज़ उठाती हैं इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पे मीडिया में छटनी हो रही है। यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या काम करता है, क्या एक पत्रकार की जो भूमिका है वो किसी मजदूर से भी गई बीती है। क्योंकि हम देखते हैं कि छटनी की जो प्रक्रिया होती है, जब उद्योग में छटनी होती है तो श्रम मंत्रालय उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन हमारे यहाँ हम जब देखते हैं कि श्रम मंत्रालय की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसे ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिल रही है और उसको हटा दिया जाता है, उसके वेतन कम कर दिए जाते हैं, तो उसमें श्रम मंत्रालय न कुछ बिल्कुल भी एक तरह से चुपचाप रह जाता है। तो ये सारी बातें भी हमें सोचना होगी, हमें प्रैक्टिकल रूप से ये सोचना होगा कि ये जो बड़े पत्रकार हैं जो ये मीडिया के जो मालिकान हैं वो उनके उनके बोलना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन तलवे चाटने में जो इतने मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन क्या वो इन पत्रकारों की पीड़ा को अपनी आवाज़ देते हैं? नहीं देते हैं। आप बड़े बड़े एंकर्स को देख लीजिए, बड़े बड़े संपादकों को देख लीजिए, ये सारा एक बड़ा एक नेटवर्क है जो हमारे मुख्य जो समस्याएं हैं जो पत्रकारों की खुद की समस्याएं हैं वो तक नहीं उठाता है। और हम बात करते हैं कि ये लोग बड़े बड़े स्कैम्स को वो करेंगे और क्रांति लाएंगे, ऐसा सोचना बड़ा अजीब लगता है। हम जो बात करते हैं, देखिए क्या होता है कि रेवेन्यू मॉडल है किसी भी पत्रकारिता में, किसी भी पेपर्स में एक रेवेन्यू मॉडल काम करता है। 3 तरह के रेवेन्यू मॉडल काम करते हैं। एक तो होता है ट्रस्ट, ट्रस्टीशिप से जिस तरह से पत्रकारिता को संस्थान को एक मदद दी जाती है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, आपका इकोनॉमिस्ट हो गया, तो ये जो पत्रकार हैं मतलब जो उसमें जो संस्थान में जो काम करते हैं वो ट्रस्टीशिप वाले उससे काम करते हैं। वहाँ पे ये होता है कि आपकी नौकरी नहीं जा सकती क्योंकि वो ट्रस्ट उसको पूरा एक वो करता है मैनेज। दूसरा एक ये कमर्शियल मीडिया जो भारत में बहुत ज़्यादा अभी तक प्रचलन में आ गया था कि विज्ञापनों से जो आय होती है या बाकी जो दूसरी चीज़ें बातें होती हैं कि
लिफाफे आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, तो ये इस तरह की आय भी होती है। अब तीसरी जो आय है जो अभी सबसे ज़्यादा बढ़ रही है वो जो मॉडल है वो ये है कि सरकारों से सीधी मदद ले ली जाती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कहना, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी पक्ष की खबरों को दिखाने के लिए हमारा टीवी मीडिया, हमारा न्यूज़ मीडिया लगातार सरकारी पक्ष की खबरें हमारे दिमाग में पेनिट्रेट करता रहता है। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसका जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल है, वो कहीं ना कहीं सरकार से ही जनरेट होता है। तो ये जो सारे मॉडल हैं, इस संदर्भ में तेज़ी से ये सरकार से जनरेट करने वाले रेवेन्यू मॉडल जो हैं वो तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, और जो ट्रस्ट और कमर्शियल मीडिया है वो थोड़ा बैक में जा रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक समझना चाहिए कि और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्रकारों का जो रोल रहा है, बड़े पत्रकारों का, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, दूसरों के हक के लिए आवाज़ उठाने वाला जो मीडिया है वो क्या अपने खुद के जो साथ में जो काम कर रहे हैं स्टाफ है उनके लिए आवाज़ उठाता है, ये बड़ा हमें देखना पड़ेगा इसके बारे में। और इसके बारे में हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम इसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि समस्या बहुत गंभीर है और बड़े पैमाने पर मीडिया की छटनी हो रही है।